बहुत बहुत स्वागत है सर आपका SNI में। सर आज जो ये कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, एक 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा है यहाँ पर, तो सर क्या कहेंगे और हम तरह तरह के यहाँ पर कार्यक्रम हुए हैं। मेरा नाम सुनील यादव है, मैं दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। मैं इस कार्यक्रम में क्या कि जो 15 अगस्त आता है तो हमें याद आता है कि सन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, और जब से देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त जब आने वाला होता है तो हम अलग अलग तरीक़ों से उसको सेलिब्रेट करते हैं, और एक देशभक्ति का माहौल पूरे देश में युवाओं में रहता है। और इससे हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे दिल्ली और देश में और समाज में कि हमें 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में पहले मुगलों का रास्ता, फिर अंग्रेजों का रास्ता, बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने देश में आज़ादी पाई है, और उस आज़ादी को याद करने के लिए, उस शहादत को याद करने के लिए हमें 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, और युवाओं में एक मैसेज देना चाहिए कि वो देशभक्ति की भावना उनके अंदर हमेशा जगती रहनी चाहिए। जैसे कि अभी देश में माहौल है कि कोई चीनी सरकार जो हमारे देश के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रही है और लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है, ऐसे में युवाओं से मैं आह्वान करूँगा, उनसे एक उम्मीद करूँगा कि वो लोग जो चीनी वस्तुएँ हैं, चाहे वो छोटी से बड़ी से सुई से लेकर जहाज तक का काम चीनी सरकार कर रही है और हम उसको बड़े शौक से खरीदते हैं। रक्षाबंधन का धागा वो रक्षाबंधन बनाते तो नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन का धागा हिंदुस्तानी लोग खरीदते हैं, वो कपड़े बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं जिससे हमारे देश का पैसा विदेशों में जाता है, और उस हमारे पैसे का इस्तेमाल करके वो हमारे सैनिकों पर गोली बारूद बम का इस्तेमाल करते हैं या करेंगे। तो हमें चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि हमारे देश का पैसा स्वदेशी अपनाएंगे, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो हमारे देश का पैसा वहाँ पर नहीं जाएगा, जिससे हमारा देश में सुरक्षा रहेगी और अपना देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।